हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हरी लहसुन के वड़े शेयर कर रही हूँ, जो झटपट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। आज हम हरी लहसुन के वड़े बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ लहसुन को छील के रखा है। मैंने यहाँ हरी लहसुन लिया है, इसे मैंने छील लिया है और साफ पानी में धो लिया है। यहाँ मैंने आधा पाव लिया है हरी लहसुन को, इसे हम रफली चॉप कर लेते हैं। इस तरह से हम रफली चॉप कर लेंगे इसे। हरी लहसुन को मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसे हम साइड में रख लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कटोरी धनिया, हरा धनिया, इसे भी इसमें मिला लेंगे। चार से पांच मैं ले रही हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची यहाँ मेरे पास है स्पाइसी, बहुत तीखी है ये। इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे हम, इसलिए यहाँ तीखी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च को भी हम रफली चॉप कर देंगे। एक लेंगे मीडियम साइज का आलू, आलू को भी हम काट लेंगे। मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है, आलू को भी मैंने यहाँ रफली चॉप कर लिया है। अब इसमें हमें इसे पीसना है। पीसना हमें उतना ही है कि दरदरा रखना है हमें इसे। ये एक लहसुन रह गया है, इसे भी हम काट के डाल देंगे बाद में। आधा आधा डाल के हम इसे पीस लेंगे। महीन पेस्ट नहीं बनाना है हमें, बिल्कुल मोटा मोटा रखना है इसे। जैसे कूट के हम चटनी को खाते हैं कूट के, वैसे रखना है। आधे मैं आलू इसमें डाल देती हूँ, दूसरी बार में आधा आलू डाल दूंगी। इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं, इसे रोक रोक के इसे ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह का हमें बिल्कुल मोटा मोटा चाहिए, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है। इसमें एक कच्चा आलू डालने की वजह से ये इजीली पीसा गया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस पर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच तिल, वाइट तिल डाल दिया है मैंने एक चम्मच। और टेस्ट के अनुसार इसमें डालेंगे हम नमक। मैंने यहाँ एक चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाला है। अब इसमें डालेंगे हम चावल का आटा। चावल का आटा मैंने यहाँ आधा कटोरी लिया है, आप जरूरत के अनुसार ले लें। बाइंड करके देख लें, मिला के इसे अच्छे से। देखिए, इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। हमें थोड़ा ही आटा मिलाना है ताकि ये बाइंड हो जाए। अब इसके हम वड़े बना लेते हैं। इस तरह से दबाते हुए, ये देखिए, इस तरह के वड़े हमें बना लेने हैं। सभी कढ़ाई में मैंने यहाँ ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल हमारा गरम होना चाहिए, एक बार हम इसे गरम ऑयल में ही डालेंगे। इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। एक बार हमें गरम ऑयल में इसे फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। जैसे ये फ्राई हो जाए बाहर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है, क्योंकि हमें इसे हाई मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करके एक बार बाहर निकालना है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें अभी। जैसे ये फ्राई होते हैं बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, हल्के फ्राई हो गए हैं, इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम सभी को बाहर निकाल देंगे। दोबारा से हमें फिर से फ्राई करना है इसे। एक बार पलट देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने हल्का सा फ्राई करके एक बार निकाल लिया है। डालते ही कुछ ही सेकंड में मैंने इसे बाहर निकाल लिया है गर्म ऑयल से। देखिए, एक बार मैंने इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लिया, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें, मैंने यहाँ टिश्यू पेपर लिया है, आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। इसे हमें इस तरह से दबा देना है सभी को। ये काफ़ी गर्म है, इसलिए कोई कपड़ा या टिश्यू पेपर ले लें। देखिए, जैसे
इस तरह से फैला देना है। देखिए सभी को मैंने यहाँ दबा लिए हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से फैल गए हैं। अब हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। अभी हमें इसे करना है लो मीडियम फ्लेम पर ताकि कुरकुरे हो जाएं थोड़े, तब तक हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी अब हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ज़्यादा जलाना नहीं है हमें इसे, चावल के आटे से ये क्रिस्पी बन जाते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने इसे प्रेस करके दोबारा से डाला है ऑयल में, आप देख सकते हैं बड़े हमारे फूल गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। इसे थोड़ा सा फ्राई और कर लेते हैं हम ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी और हो जाए। इन वड़ों को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं ये वड़े। आप रोटी के साथ खा सकते हैं इसे, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। देखिए पलट के दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए बड़े हमारे दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। कितने फूले फूले और क्रिस्पी बड़े बने हैं हमारे, देखिए। ये देखिए हमारे क्रिस्पी हरी लहसुन के वड़े बनकर रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।